हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है दुबई में 29th रोजा और आज की डेट है 8 अप्रैल। एंड टुडे इज माय मदर्स बर्थडे आल्सो। तो हम लोग ने झटपट सी थोड़ी सी इफ्तारी कर ली है और रेडी हो गए हैं। हमने थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया था और अभी केक कट करेंगे। केक नहीं है, छोटा सा एक केक है। तो हम लोग यहाँ पर बर्थडे के लिए मम्मी के लिए कुछ बना रहे थे, तो जूनियर और मैं उसकी तैयारी कर रहे थे छुप छुप के रात में। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने ऐड किया है, पता नहीं मम्मी को ये कैसा लगेगा। और ये है बर्थडे मॉर्निंग का वीडियो जहाँ पे साहिल थोड़ी साफ़ सफाई कर रहा है। और अब यहाँ पे हम लोग मम्मी का बर्थडे डेकोरेशन करने वाले, जो आप आके देखना कैसे हुआ था। और ये हमारा डेकोरेशन काफ़ी अच्छे से हो गया था, बट अफसोस इसके बाद जो हुआ मैं अब आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसमें डेकोरेशन के और भी आइटम थे जो गलती से साहिल से हवा भरते भरते ज़्यादा प्रेशर से फट गए थे, तो हम लोग को ये निकालना पड़ा। यार वो देखो गिर गया, हमारी सारी मेहनत पानी में गई। छपैक नहीं, हमारी सारी मेहनत पर हवा फिर गई। पाकअप फिर से इसको लगाना पड़ेगा, मेहनत गई पानी। हम लोग ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर किया था केक एंड फाइनली वो आ चुका था। और इसके बाद अब्बा ने आइडिया लगाया कि चलो हम लोग डेकोरेशन को हैंग कर देते हैं। बट हैंगिंग के बाद भी हवा की वजह से बलून्स जो वो अपने आप फूटते जा रहे थे और पता नहीं क्या क्या अजीब भी हो रहा था। आज हमारा दिन ही अच्छे से नहीं था डेकोरेशन का, एक एक करके हमारे सारे सिपाही डाउन हो रहे थे। देन इसके बाद हम अपना अपना रेडी होने के लिए चले गए। एंड देन अपने कपड़े प्रेस कर रही थी मैं यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर अब्बा ने मम्मी के लिए बुक की और इफ्तार लेके आए थे, तो वो दे रहे थे यहाँ पर उनको। यहाँ पे हम लोग ने क्विक इफ्तार कर ली और नमाज पढ़ ली। एंड देन इसके बाद और अभी बर्थडे गर्ल रेडी होके आ रही है। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरें जमा कर बैठे हैं रस्ते पे यार के। दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फलक से जमीन पे उतार के। सो अब हम लोग कट करेंगे केक, लेट्स गो। Happy birthday to you. बोलने के लिए मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट लाया के खाली हाथ आए, जिसका बर्थडे उसके लिए गिफ्ट लाए आपने के खाली हाथ आ गए, उसको विश किया। बोलो तुम कैसी लगी तुमको। सो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मम्मी को डिनर कराने के लिए बॉम्बे बंगलो मरीना। ओके लेट्स गो। एंड अब्बा इज गोइंग इन फुल ट्रेडिशनल देसी। उसका बर्थडे मैच कुछ करेंगे सब पहना। हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और बिल्कुल मेरे पीछे बॉम्बे बंगलो जहां हम लोग जा रहे हैं पढ़ना। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं बॉम्बे बंगलो एंड हमने प्रेफर किया है आउटसाइड सिटिंग। तो मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिखाती हूँ। एंड इसका यहाँ का सिटिंग चूज करने का मेन ये था, यहाँ से सीधे एम दुबई का जो वो व्हील है वो दिखाई देता है, ब्लू वाटर लगून स्मॉल जो वो डायरेक्ट दिखता है, बिकॉज दिस इज इन JBR बॉम्बे बंगलो। आपको व्यू ऐसे दिया है, मैं दिखाती हूँ व्यू आपको। लेट्स सी द व्यू नाउ। तो मैंने इन लोगों को मना किया था, बड़ा केक ऑर्डर मत करो, छोटा ही केक ऑर्डर करो, बड़े केक की जरूरत नहीं है, रमजान का महीना है, वेस्ट हो जाएगा ना केक पड़ा रहेगा। तो 2 किलो का ऑर्डर किए होते तो यहाँ लेकर आते कट करने के लिए।
से निकल रहे हैं, तो मरीना से अब हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर। देखते हैं रास्ते में कुछ प्लानिंग हुआ तो। स्वीट तो हमारे घर पे है इसलिए हम लोग ने यहाँ पे डिजर्ट नहीं खाए, बहुत कॉस्टली था। बाप रे बॉम्बे बंगलो, जहाँ मैं अपने फॉलोअर्स को भेज नहीं सकती हूँ सस्ता बोल के, मैं उसकी रील्स बना के क्या करूंगी बताओ। मुझे ऐसे बनाना है उस जगह की रील्स जहाँ पे मेरे फॉलोअर्स जाए और बोले कि हाँ भाई वाकई खाना भी अच्छा था और सस्ता भी था, इसलिए मैं इसकी रील नहीं बना रही हूँ। और खाना तो अच्छा था यहाँ का लेकिन बहुत कॉस्टली था, और बॉम्बे की वाइब तो बिल्कुल नहीं आई मुझे, लेकिन ठीक है चलो एक बार चलता है यहाँ पे, है ना। तो अब मिलाते हूँ मैं आपको मेरे हैंडसम अब्बा से, साजिद अब्बा। सुनहरा थक गई है, सुनहरा रोज घूम घूम के थक जाती है बस। और वो मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ। क्या बोल रहे थे बताओ, इतना मत गेट टुगेदर बताओ, बोले लोग पसंद करे तो मुझे दे लेंगे फिर। बोले यार क्या फैमिली, आई लाइक दिस फैमिली, आई लव दिस फैमिली। ये होता है पैसे वाले रेस्टोरेंट्स में आके फिर लोगों को लगता है लग रहा है खाना ही नहीं खाई हूँ प्रॉपर। क्योंकि तो मेरा कटा हुआ क्या नहीं बनाती हूँ ना, तो एक पर्सन भी वो नहीं खाता है पता है। उससे कम से कम ट्रिपल बिरयानी लगती है एक जन को घर में मेरे, है ना। सो देखते हैं क्या, कहाँ चलते हैं, घर जी घर ही चलते हैं। अगर कुछ रस्ते में प्लान हो तो वहां चलेंगे, वरना हम करेंगे ब्लॉग ऐसे ही खत्म, लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर, अब मम्मी करेंगे ब्लॉग को एंड, क्योंकि वो है बर्थडे गर्ल। तो यहाँ करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, आपसे फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। प्लीज इसका चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर दीजिएगा।